मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इतनी ब्लॉग में। और अभी अभी जस्ट मैं उठा हूँ और रात भर बारिश चल रहा था, एक मिनट भी रुका है और बिल्कुल मौसम डाउन है। चारों ओर पहाड़ ढक गए हैं, कल भी ढके हुए थे, अभी भी ढके हुए, बिल्कुल कोहरा छाया, फोग फैल रहा हुआ है चारों ओर। और देखिए पहाड़ दिखाता हूँ आपको, पीछे गाड़ियाँ खड़ी है अपनी, वो पहाड़ है तो बिल्कुल ढक गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर तो फिर भी थोड़ा बहुत खुला खुला दिखाई दे रहा है, बाकी सारे टिके पहाड़। अभी मैं गया था दुकान पे, पास में ही एक छोटी सी बस्ती है गोप जी की पागड़, वो बिस्किट लेने के लिए गया था। ये भूख लग रही थी सुबह सुबह, तो चाय के साथ बिस्किट का नाश्ता कर लेंगे। लड़के कोई नहीं उठे अभी, तो जा रहा हूँ उन्हें उठाऊँगा और चाय वगैरह बनाएंगे। गाड़ी का क्लच कल फेल हो गया था, तो उसका कोई किसी सिलेंडर वगैरह आता है तो हमने भिलवाड़ा से रखवाया था, तो वह पास पास आ गया है, यहाँ का लोकल मिस्त्री है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर रहता है, वो उसमें बस में रखवाएगा वापस अभी, जो हम तक पहुँच जाएगा 9-10 बजे तक, तो उसको लगा करके गाड़ी को आगे लेंगे। देख क्या कैसे क्या रहता है, फिर आगे देखते हैं। बारिश रुक जाएगी तो 2-4 पॉइंट है तो वो लगवाने तो लगवाएंगे, अगर नहीं रुकेगा तो गाड़ी को फिर गांव ले आएंगे। मेरे को भी बुखार आ गया था, 2-3 दिन से तो इंजेक्शन लगे थे, तो रात से खांसी स्टार्ट हो गई, बहुत खांसी चल रही है। चलते हैं गाइस, धीरे धीरे वो कोहरा उस साइड था, तो धीरे 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 ये देखिए इस साइड आ रहा है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है। उधर से पहाड़ बिल्कुल टका हुआ है और उधर से कोहरा धीरे 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 इस पहाड़ के पास पहुंच गया है और अपनी गाड़ी इस पहाड़ के नीचे खड़ी है इस टाइम। ये देखिए गाइस, और लड़के वगैरह भी उठ चुके हैं और बारिश अभी वापस स्टार्ट हो गया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी जो आया हूँ गोम की चौराया, गाड़ी का क्लच फेल हो गया तो ही हो गया था, तो उसका सवाल बिगाड़ से रखा था, तो रात से मिला गया था, रात से मिल से मिस्त्री ने घूम चलाए थे, बस पर भी गए थे, तो मैं घूम चलाए तो आया हूँ भी, बस आ रहा है रात से सफा काम बना गया, रास्ता जा रहा है रात से मिल की ओर, और ये रास्ता जा रहा है ब्यावर की ओर, भीम ब्यावर, और घूम चलाए तो खड़ा हूँ। सामान आ गया है, सामान हमने उतार लिया, ये रहा सामान, छोटू का आदमी तो हम नाश्ता करने के लिए, लेकिन समोसे कचोरी वगैरह कुछ नहीं है, वैसा घर पर लेने के लिए गए हैं, फिर जाते हैं तो फिर नाश्ता करके निकलेंगे वापस। नाश्ते का लाड़ी देखिए भाई, अभी हम आए कटबोर 4 बजे जी, 4 बजे जी के दर्शन करने के लिए, चलिए नसीब होगा तो दर्शन भी कर पाएंगे। देखिए जिस प्रकार का सीन है यहाँ का, वो देखिए इस प्रकार का लुक है यहाँ का। चार बजे सीधा दर्शन तो हो जाएंगे लग रहा है ऐसा कुछ। ये देखिए गाइस कुछ इस प्रकार का लुक है बाहर से मंदिर का, ये देखिए फिर, ये देखिए गाइस भगवान की अगरबत्ती है, लो पकड़ ले, चलते हैं अंदर गाइस, चलते हैं अंदर। बस अंदर प्रवेश करते हुए इस प्रकार का है मंदिर बना हुआ है, ये देखिए गाइस, चलिए चलते हैं भी अंदर। इस प्रकार का लुक है यहाँ का, ये देखिए सजावट इस प्रकार से सजावट कर रखी है आज। गाइस अभी भगवान का आरती स्टार्ट हो रहा है, सबको फोटोशूट लगा था, तो फोटो वगैरह भी खींचा पाए, नहीं वीडियो बना पाए, और
लेंगे चारों ओर पर दिखा देते हैं आपको। ये रहा प्रवेश द्वार, मंदिर का पीछे का कुछ ऐसा लुक है यहाँ पे बाहर पीछे की ओर का। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, पीछे खिड़की से कुछ ऐसा व्यू है। ओह ये रहा मंदिर, ये देखिए गाइस, इस तरफ भी कोई वो अपने क्या बोलते हैं दमसरा वगैरह है, बाकी तो कुछ इस प्रकार का व्यू है। ये देखिए वापस निकासी द्वार, ये देखिए मंदिर के सामने कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ सजावट कर रखी है दीवार। ये देखिए जूड़ बहुत काम कर दिया हमारा पहला प्लान, पैसे वगैरह तो कर लिए। अब हम जा रहे हैं मार्केट में साग सब्जी लेकर के, फिर निकलेंगे गाड़ी पर। दर्शन तो अच्छे से हो चुका है लेकिन हम लोग वीडियोग्राफी वगैरह फोटोग्राफी सब घूमना थी तो नहीं कर पाए। चलिए तो चलते हैं। ठीक गाइस, मंदिर के बाहर एक पानी का कुंड बना हुआ है, इतना मेरे को तो मालूम नहीं है क्या है लेकिन ये सामने कुछ लिखा हुआ है, प्रेमाद फेरी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये कुंड है, देख लीजिए, हमने भी यहाँ नाश्ता किया था, यहाँ बहुत अच्छा नाश्ता देते हैं यहाँ पे। ये बाहर कुछ लो, इनको देख लो बात को हिसाब भजिया निकालो, भजिया खबा हुआ खुरपू। ये देखिए गाइस, अभी हम मार्केट से होकर के वापस गाड़ी पे आ गए हैं और गाड़ी का वो काम पूरा नहीं हुआ, गाड़ी अभी यहीं पे खड़ा है, क्लेज ऑफिस रेडी नहीं हुआ, मिस्त्री आया था, मिस्त्री चेक करके वापस चला गया, मिस्त्री से भी वो काम नहीं हुआ, तो कल कंपनी वाला आएंगे सुबह 10-11 बजे के आसपास, वो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है अच्छे से। मिस्त्री से नहीं हो पाया, मिस्त्री फोकट के 500 रुपये लेकर के चला गया हमसे। और दो दिन से मौसम बहुत ही हद से ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मेरा जुकाम भी निकल पा रहा है और रात पूरी रात बारिश चल रहा था और अभी भी मौसम बिल्कुल डाउन है, ये सारे चारों ओर पहाड़ सारे टिके हुए फोक से और कोहरा ही कोहरा हो रहा है। और वो लड़के ये यहाँ पे आग लग जला करके सेक हाथों को सेक रहे हैं गाइस, ये लड़के गरम गरम ले रहे हैं और मेरे लिए भंडारी पानी गरम कर रहा है जिससे मैं ये ताप लूँगा, नाक वगैरह खुल जाएंगे अच्छे से। और ये नाक क्या है गधा, सारा बीमार हो जाएगा अभी नाक करके आया है इस टाइम। सॉरी ये सॉरी ये नहीं, हमारी गाड़ी यहाँ पे पड़ा है, ये बीमार हो गया था, इसके कल इंजेक्शन लगवाया था, परसों भी लगाया था, अभी थोड़ा बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। और ये देख लीजिए चारों ओर फोग ही फोग फैला हुआ है, पार्ट सारे टके हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, वो देखिए, वो देखिए गाइस, ये सामने वाला ये पार्ट भी टका हुआ है और हम भी इस हाईवे के अंदर फंसे हुए हैं। ब्लॉग बस यही एंड करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, bye.